असलम एवरी वन आई होप यू आर डूंगेरी वेलकम टू माई YouTube चैनल हमने जो रिसेंटली जो स्टैटिक जी के वाला पार्ट स्टार्ट किया है उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनाया है सो यू कैन चेक दैट प्ले लिस्ट कंट्री कैपिटल एंड करेंसी का जो पहला पार्ट है वह हमने ऑलरेडी अपलोड किया है ठीक है सो so, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है सो so, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो हमने जो एशियन कंटिनेंट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया है सो so, आज हम कंप्लीट करेंगे यूरोप कॉन्टीनेंट वाला पार्ट ठीक है हम इसको विद इजी ट्रिक्स के साथ समझेंगे एंड हाँ अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो नाउ वी विल स्टार्ट विद सो नाउ वी विल स्टार्ट द कंट्री कैपिटल करेंसी ऑफ यूरोपियन कॉन्टीनेंट ठीक है सो so, ये होगा सीरियल नंबर ये वाला <coughs> ये वाला कॉलम कंट्री वाला है ये वाला कॉलम कैपिटल है एंड ये वाला कॉलम करेंसी है ठीक है नौ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वीना एंड इसकी जो करेंसी है वो यूरो ठीक है एंड एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो यूरोपियन कंटिनेंट है इसमें ऑलमोस्ट जो नाइन्टी फाइव परसेंट जो कंट्रीज है यूरो ठीक है So, हम उनको याद रखेंगे जिनमें करेंसी डिफरेंट होगी नाउ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वीना एंड इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। अब इसको कैसे याद रखें यहां पे देखो यानी कि ट्री ऑस्ट्रिया ट्री की साउंड आ रहा है ना यहां पे आ रहा है वीना यानी कि वी की साउंड ठीक है सो कैसे याद रखेंगे ऐसे सिंपल है प्लान मोटरीज सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ठीक है नौ बलेरस बलेरस की जो कैपिटल है वह मेन्सिक एंड इसकी जो करंस है वह है रूबल ठीक है अब इसको कैसे याद रख सकते हो बलेयरस समझो इसमें यहाँ से बियर ले लो आप ठीक है बलैर से ऑफ बियर ले लो मिन्सिक से ऑफ मास्क ले लो यहाँ पे बियर बन जाएगा, बी ई एल ए, -ए आर है ना तो मैंने एल को यहाँ बाहर निकाला तो यहाँ बना बियर यहाँ मैंने मास्क यहाँ रूबल को आप समझो रगबी ठीक है रूबल रगबी अब जो बियर है वो मास्क लगा के था जो बियर था वो मास्क लगा के था क्यों मास्क लगा के था क्योंकि वो रग्बी मैच खेल रहा था ठीक है क्योंकि जो रग्बी टीम थी वो कमज़ोर थी उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा हम बियर को बुलाएंगे एंड बियर को बुला के उन्होंने मास्क लगाया उसको एंड मास्क लगाया उससे फिर रग्बी खिलवाया ठीक है सो बियर को मास्क लगा के था फिर क्या कर रहा था वो बियर रग्बी खेल रहा था सो बलस मिनसिक र्यूबल नाउ Belgium, Brussels ब्रूसल्स एंड यूरोप अब इसको कैसे याद रखें इसमें इस पे ध्यान दो यहाँ पे है बेल देन है जी सो so, बेल और जी को मैंने अलग किया यहाँ पे देखो ब्रश बी आर यू एस एच ठीक है तो यहाँ मैंने पहले के चार लेटर लिए उसमें एस लास्ट में लगाए तो ब्रश सो यहाँ ब्रश की साउंड आ रही है यहाँ पे बेल की साउंड आ रही है तो बेल को मैंने अलग किया यहाँ पे जी एम बेल जी एम जी एम यानी कि चुहिंग गम चुहंगम बेल जी एम चुविंगम ठीक है अब जो बेल था उस पर चुहिंग गम लगा था जो बेल था उस पर चुहिंगम लगा था ओबली बात है जो घर में बेल होता है उस पर समझो चुविंगम लग गया अब जब उस पर चुहिंगम लगेगा जब कोई मेहमान आएगा तो वह बैल कैसे बजाएगा जब तक उसमें तो चुहंगम लगाए इसका मतलब जो बैल में जो चूइंग गम लगाए हैं उसको हमें उठाना पड़ेगा बट हम कैसे उठा रहे हैं इसको ब्रश से सो so, बेल में जो चूइंग गम लगाए हैं उसको हम ब्रश से उठा रहे हैं सो so, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो, वो है ब्रूसलस की जो करेंसी कर्नसे व यूरो ठीक है मैंने ऑलरेडी बोला यूरो हम याद नहीं करेंगे हम सिर्फ इनको याद करेंगे नो no. बेल्जेरिया की जो कैपिटल है वह है सोफिया एंड इसकी जो है वो है लेव ठीक है अब इसको कैसे याद रख सकते हैं बल को आप समझो बल की है। बल बल की सोफिया को आप समझो सोफिया है किसी लड़की का नाम इससे समझो आप लेव से समझो ऑफ लव ठीक है अब क्या हुआ अब समझो कोई लड़का था उसको सोफिया से प्यार था ठीक है अब सोफिया ने उसको कहा मैं तभी आपसे प्यार करूंगी जब आप मुझे उठाओगे ठीक है अब वो बंदा बेचारा मेरी तरह कमज़ोर था उसने क्या किया सोफ़िया को उठाया एंड जब उसने सोफ़िया को उठाया तो सोफ़िया ज़्यादा बल की थी ठीक है तो उसने सोफिया को उठाया प्यार में ठीक है सो सोफ़िया को उठाया प्यार में बट सोफ़िया जो थी वो थी बल्कि ठीक है सो सोफ़िया बल्की थी बट उसने फिर भी उठाया उसको क्यों उठाया क्योंकि वो प्यार में था क्योंकि उसको उसके साथ लव था ठीक है सो so, सोफ़िया को उसने उठाया बट सोफ़िया बल्कि थी उसके बाद भी इसने उसको उठाया क्यों क्योंकि उसको सोफिया से प्यार था ठीक है या फिर इसको ऐसे भी समझो तो सोफ़ा सोफ़ा जो है वो बल्कि है एंड मुझे जो बल्कि सोफ़ा है वो पसंद है यानी कि मुझे बल्कि सोफे से प्यार है ठीक है तो ऐसे भी समझ सकते हो नव क्रोशिया जैगरेब एंड इसकी जो करेंसी है वह है कोना ठीक है अब क्रोशिया यहाँ पे क्रोशिया में क्रो का साउंड आ रहा है यहाँ पे जैगरेब में अगर आप जाग जैगरेब में जागरे जाग रे जैग रे, रेब जो है जागरे यहाँ से कोना यानी कि काओ काओ ठीक है अब जो क्रो है जो क्रो है वो सुबह सुबह क्या कर रहा है काव काव कर रहा है जो क्रो है वो सुबह सुबह काव काव कर रहा है क्रो सुबह सुबह काव काव कर रहा है क्यों कर रहा है काव इसलिए कर रहा है वो बोल रहा है जागरे ठीक है जो काव है जो क्रो है वो सुबह सुबह काव काव कर रहा है क्यों कर रहा है का इसलिए कर रहा है वो बो वो, वो क्या बोल है जाग जागरे क्यों जागना है बोल रहा है जागरे जेके एस एस बी का एग्जाम है ठीक है जल्दी जागरे जेके एस एस बी का एग्जाम है तो जो क्रो है वो सुबह सुबह क्या कर रहा है काव काव कर रहा है क्यों कर रहा है जागरे जाग क्यों जागरे क्योंकि जेके एस एस बी का एग्जाम है ठीक है सो so, क्रोशिया क्रो जैग एरेब यानी कि जागरे जाग जैगरे कूना देट मीन्स काउकाव सो so, क्रो कर रहा है काउकाव क्यों कर रहा है कओ जागरे जागरे क्यों जागरे क्योंकि जेके एस बी का एग्जाम है ठीक है रिपब्लिक no. इसकी जो कैपिटल है वो है प्रयाग एंड इसकी जो करेंसी है वो है करोना ठीक है अब ये तो इजी वाला है ठीक है यहां समझो चल से समझो आप चेज करना चेज करना रिपब्लिक समझो आप पब्लिक सो तो पब्लिक क्या कर, रही है? कर रहे हैं चेज कर रहे हैं किन को है। तो चेज कर रहे हैं पब्लिक जिनको प्लेग एंड करोना हुआ है सो पब्लिक चेज कर रहे हैं उनको जिनको प्लेग एंड करोना हुआ है ठीक है सो पब्लिक चेज़ कर रहे हैं किनको जिनको प्लेग एंड करोना हुआ है ठीक है ताकि उनको वो कमरे में बंद रखे वरना तो सबको हो जाएगा करोना एंड प्लेग ठीक है सो चेज़ रिपब्लिक चेज़ का मतलब है चेज़ रिपब्लिक से हमने लिया है पब्लिक सो पब्लिक चेज़ कर रही है प्रयाग यानी कि प्लेग करोना दैट मीनस करोना ठीक है नौ डेनमार्क डेनमार्क की जो कैपिटल है वह है कोपिन हीगन इसकी जो करंसी वह है क्रोन ठीक है नव डेनमार्क से आप मार्क ले लो लोपिन से आप कॉपी ले लो क्रोन से आप कौन ले लो ठीक है अब कैसे याद रख सकते हैं सिंपल है ये कौन है ये कौन है जिसने मेरी कॉपी पे मार्क लगाया है ठीक है ये कौन है जिसने मेरी कॉपी पे मार्क लगाया है ठीक है ये कौन है जिसने मेरी कॉपी पे मार्क लगाया है ठीक है कौन दैट मीनस क्रोन कॉपी दैट मीन्स कॉपिन मार्क दैट मीन्स मार्क सो ये कौन है जिसने मेरी कॉपी पे मार्क लगाया है नौ फिनलैंड की जो कैपिटल है वह है हेलसेंकी एंड इसकी जो करेंसी है वो है यूरो <coughs> इसकी जो करेंसी है वो है यूरो ठीक है ये तो पता होगा बट फिर भी अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ यहाँ से समझो ऑफ लैंड यहाँ से दो वर्ड ले लो एक हेल है है देन है सिंक ठीक है सिंक यानी कि डूबना अब क्या हुआ खाब में मैंने जब खाब देखा खाब में मैंने क्या देखा मैंने देखा जो हेल है हेल में डूब रहा है क्या डूब रहा है हेल में लैंड सो हेल में डूब रहा है लैंड सो हेल हेल्की हेल में डूब रहा है क्या डूब रहा है हेल में लैंड सो so, ये मैंने ख्वाब देखा था बड़ा बुरा ख्वाब देखा था जो जमीन है वो डूब रहा है मैंने ख्वाब में देखा जो जमीन है वो डूब रहा है किस में डूब रहा है हेल में ठीक है फ्रांस की जो कैपिटल है वहाँ पेरिस एंड यूरो ये भी पता होगा ठीक है ये भी नहीं पता तो फ्रांस को आप समझो फ्रांस से ले लो डांस यहां से ले लो पैर ठीक है सो so, हम डांस किससे करते हैं पैर से करते हैं सो so, हम डांस पैर से, so, से करते हैं तो इसको ऐसे याद रख सकते हो फ्रांस डांस पेरिस पैर सो so, हम डांस करते हैं पैर से ठीक है ना जर्मनी बर्लिन एंड यूरो ठीक है ये भी पता होगा ठीक है जर्मनी बर्लिन एंड यूरो ठीक है अब इसको कैसे याद रखते हैं जर्मनी को आप ले लो जर्मस ठीक है यहां से ले लो आप बर्लिन को आप ले लो बोरो थीके? अब क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है इसलिए जर्मस जो है वो बहुत ज्यादा पैदा हुए हैं ठीक है अब जर्मस जब बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं ठीक है थीके? अब इनसे प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे बोरो प्लस बोरो प्लस की शायद वैसलिन आती है ठीक है बट हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्या कि जर्मस हैं जर्म से हमें बचने के लिए हम क्या लगा रहे हैं बोरो प्लस ठीक है बर्लिन बोरो सो जर्म से बचने के लिए हम लगा रहे हैं बोरो बर्लिन बोरो सो जर्म से बचने के लिए हम लगा रहे हैं बोरो प्लस ग्रीस, एथनस एंड यूरो ठीक है? ग्रीस को ऑफ ग्रीस समझो ठीक है एथनस को ऑफ एट हन समझो ठीक है अब चूंकि नौकरी है तो है नहीं ने क्या किया कहा हमने बोला ठीक है चलो अब हमें अब जॉब तो है नहीं अब हम जो हैनस है हैनस का बिजनेस करेंगे अब हमने कितने हैनस पाल रखे हैं आठ हैंस हमने आठ हैंस पाल के रखे हैं ठीक है बट अगर हमने आठ हैंस पाल के रखे हैं ये किसी के साथ ये कहीं भाग ना जाए सो मैंने इनको क्या किया मैंने इनको निशान लगाया किसका निशान लगाया ग्रीस का सो मैंने आठ हैंस को निशान लगाया किसका ग्रीस का आठ हैंस को निशान लगाया किसका ग्रीस का सो ग्रीस की जो कैपिटल है वो है एथेंस एथेंस की आवाज़ जो आ रही है वो एठ की आ रही है ठीक है सो so, एट निशान कौन सा निशान लगाया ग्रीस का निशान नंगरी बुडापेस्ट एंड इसकी जो करेंसी है वह है फोरट for, ठीक है सो हंगरी बुडापेस्ट एंड इसकी जो करेंसी है वह है फोरेंट ठीक है अब ये तो सबसे ईजी है हंगरी समझो बू का हंगरी है कोई अब कौन हंगरी है बूढ़ा हंगरी है ठीक है अब बूढ़ा हंगरी है एक बूढ़ा था वो हंगरी था बेचारा ठीक है तो जब मैं चल रहा था तो मैंने मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा भाई बूढ़ा हंगरी है ठीक है तो मैंने कहा चलो ठीक है फौरन इसको खाना खिलाते हैं फिर अगर बूढ़ा हंगरी है अगर बूढ़ा हंगरी है तो फोरन इसको खाना खिलाते हैं फिर ठीक है सो हंगरी बूढ़ा पेस्ट एंड फोरेन्ट ठीक है सो so, बुढ़ा हंगरिया इसलिए हमने उसको फौरन खाना खिलाया आइसलैंड जो कैपिटल है वो है रे क्या विक रे क्या विक इसमें रे की आवाज आ रही है सो so, आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रे क्या विक एंड इसकी जो करेंसी है वो है क्रोना ठीक है यहां से आइस ले लो यहां से लैंड ले, ले लो यहाँ से रे ले लो यहाँ से क्रोना से रोना ले लो क्रोना से रोना ले लो ठीक है अब कैसे याद रख सकते हैं इसको समझो कोई बेचा रहा है वो आइस बेच रहा था ठीक है अब कोई आइस का बिजनेस कर रहा था तो क्या हुआ जब रेस आ रही थी वो इसके आइस पे पड़ रही थी ठीक है सो जो रेस है यहाँ से रेस आ रही थी ठीक है सन से जो रईस आ रहे थे वो इसके आइस पे पड़ रहे थे ठीक है अब वो इसके आइस पे जब रेइस पड़ रहे थे तो जो ये आइस है ये किस में कन्वर्ट हो रहा था वाटर में सो जो आइस है वो पानी में तब्दील हो गया था तो पानी तो उसको इससे कोई लेगा नहीं क्योंकि वो तो आइस का बिज़नेस करता था ठीक है अब सारे उसके पास आइस लेने आते थे ठीक है जब रेस उस पर पड़े वो आइस किस में कन्वर्ट होगा पानी में तो इसका बिज़नेस तो ठप हो गया ठीक है इसलिए वो फिर रोने लगा ठीक है सो so, जो रेस है वो आइस पे पड़ने लगी इसलिए वो रोने लगा क्योंकि वो सारा जो आइस था वो पानी में कन्वर्ट हो गया था नाउ आयरलैंड डुबिन एंड इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। आयरलैंड में से आप एयर ले लो आयर आयर की आवाज़ यहाँ से आप लैंड ले, ले लो यहाँ से आप डूब यानी कि डूब गया ठीक है अब क्या हुआ जो जमीन है वो डूब गया अब खुद तो डूब नहीं सकता कुछ तो हुआ होगा। तो हवा की वजह से जो जमीन है वो डूब गया सो तो एयर की वजह से जो जमीन है वो डूब गया सो तो एयर लैंड की वजह से जमीन डूब गया सो तो एयर की वजह से डूब गया जमीन सो तो एयर की वजह से डूब गया क्या डूब गया जमीन सो लैंड लैंड डूब गया लैंड डूब गया क्यों डूब गया हवा की वजह से एयर की वजह से सो so, एयर की वजह से जो लैंड है वो डूब गया ठीक है सो so, बड़ा ख़तरनाक हवा था इसने ज़मीन को डुबा दिया नाउ इटली की जो कैपिटल है वो है रोम ठीक है ये तो पता होगा ठीक है इटली की जो कैपिटल है वो है रोम एंड इसकी कारण है वो यूरो नाउ नाउ माल्टा माल्टा को आप माल समझो शॉपिंग माल है ना कोई वलेटा वलेटा यहाँ पे पहले आ रहा वलेट अब यहाँ से वी से ही वालेट समझो आज ठीक है ठीक है अब क्या हुआ मैं मॉल में गया मॉल में गया किस लिए गया मैं वॉलेट लाने ठीक है सो मैं मॉल में गया वॉलेट लाने ठीक है या ऐसे याद रख सकते हो मॉल में मुझे मिला वॉलेट सो मॉल मैं वॉलेट मिला मुझे ठीक है मैं माल में घूमने गया वहाँ पे मुझे वॉलेट मिला ठीक है ना नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टरडेम एंड इसकी जो करेंसी है वो है यूरो ठीक है, है, Euro, है? Now, इसको ना नीदरलैंड को आप समझो नीडर न डरने वाला इसको बोलते हैं ना निडर निडर नीदर ठीक है एमस्टर एमस्टर में पहले एम एफ एड कर लो ये बनेगा मास्टर एमेस्टर में आप क्या करोगे काम आप इसमें पहले एम ऐड करोगे तो एमेस्टर बन जाएगा मास्टर सो so, जो हमारा मास्टर है वो नहीं डर है हमारा मास्टर है वो नहीं डर वो नहीं डरता किसी से ठीक है सो so, सो so, जो नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एमेस्टर डैम ठीक है नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो एंड इसकी जो करेंसी है वो है क्रोन ठीक है अब नॉर्वे को आप समझो नो वे ऑसलो को समझो आप स्लो क्रोन को समझो आप क्रेन ठीक है सो so, नो वे सो so, नो वे यहां पे एक बोर्ड लगा था नो वे ठीक है नो वे स्लो जाओ ठीक है स्लो जाओ स्लो जाओ क्यों स्लो जाना आगे क्रेन है ठीक है पहले हमने कहा था इसको नो वे आगे मत जाओ बट ये फिर भी गया फिर मैंने कहा इसको भाई स्लो जाना आगे क्रेन है ठीक है सो so, नो वे स्लो जाओ आगे क्रेन है सो so, नो वे गो स्लो आगे क्रेन है सो so, ना पोलैंड यह वारसा एंड जलोटी पोलैंड पोल्स की आवाज आ रही है पोल्स वारसा में यहाँ पे वार आ रहा है ठीक है यहाँ यहाँ पे वार है वारसा से आप वार ले लो एंड जुलोटी से आप स्लॉट्स ले लो ठीक है अब क्या हुआ वार का टाइम चल रहा था तो सारे जो लोग थे वो क्या लगा रहे थे पोल्स लगा रहे थे कहाँ पे ज़मीन पे कैसे सलाट वाइज सो वार के टाइम पे पोल्स लगा रहे थे सारे सलाट वाइज ठीक वार के टाइम पे पोल्स लगा रहे थे स्लॉट वाइज और जो पोल्स लगा रहे थे वो कहाँ पर जमीन पे ही लगाएंगे सो so, वार के टाइम पे पोल्स लगा रहे थे पुर्तगाल एंड इसकी जो पुर्तगाल एंड इसकी जो कैपिटल है वह है लिस्बन एंड इसकी जो करेंसी है वह है यूरो अब इसको कैसे याद रखो इसके लिए तो बना नहीं है कुछ बट फिर भी एक ट्रॉय मैंने किया है इसमें पहले पोर्ट देन है गल इसमें है पोर्ट देन है गल एंड देन है बंद बंद को आप बैन ले लो बंद को आप बैन समझो ठीक है सो so, में गल करना गल मतलब बातें करना सब so, पोट में गल करना बैन है सो so, में पोर्ट में बातें करना बैन है so, पोर्ट में गल करना बैन है सर्बिया इसकी जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड एंड इसकी जो करेंसी है वो है दीनार ठीक है अब सर सर बिया इसमें सर आ रहा है और बया आ रहा है ठीक है ठीक है अब सर एंड बया दोनों मिल गए थे किस लिए मिल गए थे मेरे ग्रेड चेक करने के लिए ठीक है यहाँ पे ग्रेड आ रहा है ना तो जो सर एंड बया है वो ग्रेड दिखाने आए कहाँ आए मेरे घर जो सर एंड बया है वो ग्रेड दिखाने आए मेरे घर ठीक है बट ये जो ग्रेड दिखाने आए मेरे घर ये कब आए है? ये दिन भर आए है यानी कि दीनार दिन नार इसको समझो दिन भर यहाँ पे समझते हो सर एंड बया आए लिए आए गार? ग्रेड दिखाने दिन भर सो so, जो सर एंड बया है ये दिन भर आए मेरे घर ग्रेड दिखाने दिन भर आए ठीक है दिन भर दैट दिन दिनार इसमें है ना पहले दिन डी आई एन दिन सो so, सर एंड बया ग्रेड दिखाने आए दिन भर मेरे घर नौ स्पेन से मैड्रिड ये तो इजी वाला है यूरो, स्पेन से आप पेन ले लो पेन का मतलब क्या होता है दर्द या तो किसी को पेन होगा या फिर वो बोलेगा मुझे पेन है या बोलेगा मुझे दर्द है ठीक है सो so, यहाँ पे पेन है यहाँ पे मैड्रिड है सो so, मैड्रिड में लास्ट में दर्द समझो ठीक है सो so, पेन का मतलब होता है दर्द सो मैड्रिड स्पेन नवेडन की जो कैप्टल है वह स्टॉक होम एंड इसकी जो करंसिया है वह है क्रोना ठीक है इसका कुछ मुझे समझ आया नहीं कैसे बनाएंगे बट स्टिल मैंने एक ट्राई किया था ठीक है सवे को मैंने बोला सोवई सु यहां से मैंने स्टॉक होम से लिया मैंने होम यहां से मैंने लिया करोना ठीक है सो वी विल स्टे एट होम वरना क्या होगा करोना होगा सो सो वी विल स्टे एट होम वरना क्या होगा करोना होगा ठीक है सो स्टे एट होम वरना क्या होगा करोना होगा ठीक है या फिर ऐसे समझो स्वेटिन वालों घर में बैठो वरना आपको करोना होगा ठीक है नौ स्विटरलैंड स्विटरलैंड की जो कैपिटल है वह है बर्न एंड इसकी जो करेंसी है वह स्विस फ्रांस ठीक है स्विट्जरलैंड से आप पहले वाले तीन लेटर ले चार लेटर ले लो स्विट ठीक है तो यहां पे आ रहा है स्विट तो यहाँ पे आ रहा है बर्न बर्न यानी कि बर्ने हमने स्विट्स कहाँ रखे हैं बर्ने में बर्ने यानी कि कंटेनर तो हमने स्विट्स रखे हैं बर्ने में क्यों रखे हैं क्योंकि वो फैन से खराब होंगे तो हमने स्वीट्स रखे हैं बरने में एंड अगर हम बरने में नहीं रखेंगे स्वीट्स वो फैन से खराब होंगे ठीक है सो so, स्विट्जरलैंड से हमने लिया था स्वीट एंड बर्न बर्न से हमने लिया था बर्ने एंड फ्रांस से हमने लिया फैन ठीक है सो so, स्वीट्स हमने रखे हैं बरने में वरना वो फैन से खराब होंगे नाउ यूक्रेन यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीवी एंड इसकी जो करेंसी है वो है हरनिया ठीक है ना यूक्रेन यहाँ पे क्रैन का साउंड आ रहा है एंड यहाँ पे कीवी इसके नाम में ही कीवी है दैट मीनस कीवी हरनिया को आप समझो हर ठीक है यानी कि हम हर बार क्या करेंगे कीवी को रखेंगे कहाँ पे क्रैन से रखेंगे इसको ट्रक में सो so, हर बार हम कीवी को उठाएंगे किससे उठाएंगे क्रेन से फिर रखेंगे हम ट्रक में सो so, हर बार हम कीवी को रखेंगे उठा के उठा के कहाँ रखेंगे इसको ट्रक में बट कैसे इसको ट्रक में रखेंगे बट कीवी को उठा के हम ट्रक में कैसे रखेंगे क्रेन से ठीक है सो so, हर बार कीवी को क्रेन से उठा के ट्रक में रखेंगे नाउ यूनाइटेड किंगडम इसकी जो कैपिटल है वह है लंदन एंड इसकी जो करेंसी है वह हैं पाउंड स्टर्लिंग ठीक है नव यूनाइटेड किंगडम में आ रहा है किंग लंदन में आ रहा है डॉन एंड पाउंड पाउंड से ले लो आप पाउच स्टेरलिंग से आप ले लो स्टर स्टेर, स्टेर यानी कि गुरना ठीक है सो जो किंग है वो डॉन होता है ठीक है अब जब किंग डॉन होता है तो उसकी मर्जी है वो लोग उसे पाउच लेता है ठीक है सो जो किंग है वह डॉन है जब वो किंग डॉन है तो वो लोगों से पाउ लेता है एक तो वो लोगों से पाउच लेता है इसके बाद ये इनको घूरता है ठीक है स्टेयर स्टेयर करता है स्टेयर का मतलब होता है घूरना ठीक है सो जो किंग है ये डॉन है एंड लोगों से क्या करता है ये पाउ लेता है एंड फिर पौच लेके इनको स्टेयर करता है ठीक है सो जो किंग है ये डॉन है एंड डॉन होके ये लोगों से पाउ लेता है फिर इनको स्टेयर करता है ठीक है सो so, यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो है लंदन एंड इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड स्टेलिंग वेटिकन सिटी एंड इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तो इसकी जो करेंसी है वो है यूरो एंड इसकी जो कैपिटल है वो भी है वेटिकन सिटी ठीक है सो आई होप आप इस चैनल पे हो आज यू है सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो थैंक यू फॉर कलिंग दिस लेक्चर सो प्लीज़ Do subscribe my channel for such valuable content. So, thank you.